परमेश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन है और एक विषय है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप कमेंट में करके जरूर बताएं। यह प्रश्न हम मलाकी में देखते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है। आप 3:8 में पढ़िएगा मलाकी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैंने अपनी बाइबल खोल लिया, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तू भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। यहाँ पर वचन को आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या पूछता है कि यहाँ पर जो पूछा गया है, यह प्रश्न मलाकी की ओर से इसराइल के लोगों से पूछा गया था। मलाकी ने इसराइल लोगों पर परमेश्वर को लूटने के पाप का आरोप लगाया था और मुझे यहाँ पर यकीन है कि इसराइलियों को नहीं लगता था कि वे सचमुच में ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर को लूटने का विचार भी इसराइलियों के लिए ध्यान आकर्षित करने वाला होगा। आखिरी जब हम देखते हैं 10 आज्ञाओं में, जैसे एक आज्ञा है कि चोरी ना करना, 20:15 में पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी मलाकी में कहा कि ये लोग यही कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को कैसे लूट लिया था। मलाकी ने इसका उत्तर यह कहते हुए दिया कि उन्होंने दशमांशों और भेंटों में से लूटा था। हम 3:8-9 में पढ़ते हैं कि वे उन दशमांशों को नहीं लाते थे जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। तो परमेश्वर को भेंट देते हुए भी इसराइलियों ने अंधी और लंगड़ी भेड़े लाकर परमेश्वर को लूट लिया था। उसने उन पर परमेश्वर को वे चीजें भेंट करने का आरोप लगाया जिन्हें वे संसारिक हाकिमों को भेंट नहीं कर सकते थे। जो कुछ उपयुक्त रूप में परमेश्वर को भेंट में किया जाना चाहिए था, उसे भेंट करने से इनकार करके वह परमेश्वर को लूट रहे थे। तो मलाकी ने उन्हें और याद दिला रहा था, उन्हें भौतिक रूप से आशीष देने का वचन तभी दिया गया यदि वे पहले उसे देते। हमें भी इसी प्रश्न पर विचार करने की आज आवश्यकता है, क्या कोई परमेश्वर को लूट सकता है? मसीही लोगों के लिए यह कहते हुए कि यीशु या प्रेरितों ने कभी दशमांश देने की आज्ञा नहीं दी, परमेश्वर की उदारता की अपनी कमी को सही ठहराने की बात आमतौर पर सुनी जाती है। यह सही है कि प्रेरितों और यीशु ने दशमांश देने की आज्ञा नहीं दी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमें चंदा देने की आज्ञा नहीं है। सप्ताह के पहले दिन तुम में हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। 1 कुरिन्थी 16:2 में पढ़ते हैं कि मसीह को संपत्ति के बारे में बहुत कुछ कहना था। अपनी लिखित बातों के मध्य के निकट मनुष्य और उसके संपत्तियों के लिए उसने चिंता जताई। जैसे कि लुका का 21 अध्याय में हम पढ़ते कि उसने प्रभु को अपनी भेंट देते हुए कुछ धनवानों को देखा। उसने एक निर्धन विधवा को भी देखा जिसने केवल 2 दमड़ियाँ ही दी थी। दमड़ी सबसे छोटा यहूदी सिक्का होता था और इसका मोल बहुत ही कम होता था, तो धनवानों द्वारा दी जाने वाली बड़ी राशि की तुलना में यह बहुत कम था। इसके बावजूद यीशु ने यह कहते हुए उसकी सराहना की, उसने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने वह दे दिया। वह इतना अधिक देने को क्यों तैयार थी? स्पष्टता से यह वह दान है जिसका प्रेम के कारण था। उसका दान बहुत छोटा था, पर उसका प्रेम क्या था? बहुत बड़ा था। तो नए नियम में हम देखते हैं उदारता से देने वाली केवल वही निर्धन विधवा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने यरूशलेम के पीड़ित मसीह लोगों की सहायता के लिए उदारता से देने के लिए मकिदुनिया के मसीह लोगों की सराहना की। और क्लेश मकिदुनिया पौलुस ने जो मकिदुनी लोगों के क्लेश और भारी कंगालपन में देने की बात भी की है। आप 8:2 में पढ़ सकते हैं। इन शब्दों में जितने आप निर्धन हो सकते हैं उतने होने की बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्यों देते हैं। हम किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए नहीं देते। यदि ऐसा होता तो हम में से अधिकतर लोग कुछ भी ना देते, क्योंकि हम उसे पूरा करने के लिए अपने आप में इतना कुछ नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को महिमा देने और उसका आदर करने के लिए देते हैं। हम परमेश्वर के लिए अपने बड़े प्रेम के कारण देते हैं और अपने दान द्वारा उस प्रेम को दिखाते हैं। यदि हम थोड़ा देते तो परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम और उसका भरोसा भी उतना ही होता है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से कहीं बढ़कर है, इसलिए हम अपने मनों में उसके लिए थोड़ा प्रेम लेकर परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? हमें कितना देना चाहिए? यहूदी लोग 10% से अधिक देते थे। 10% तो उन्हें कम से कम देना होता था। अधिकतर मसीही लोग यह सोचते हैं कि वे तो गरीब हैं। बेशक यह प्रतिशत
बिल्कुल मिलता जुलता है, जितना हम देते हैं और वह इसी आधार पर होता है कि परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषें दी हैं। विधवा के पास देने के बाद अपने लिए कुछ नहीं बचा था। मकिदुनी लोग अपने कंगाली के बावजूद भी देते थे, जो उदारता से देने की अपनी कमी को सही ठहराने के लिए हमें निर्धन होने के बहाने का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारे मन को देखता है और हमें जांचता है, केवल हमारे दान को देखकर ही नहीं बल्कि यह देखकर कि भी हमें कितनी आशीष मिली है। पौलुस ने दूसरा कुरंथी के 9:6 में हम पढ़ते हैं, बड़ा स्पष्ट से वहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु बात तो यह है कि जो कि थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसा दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रखता है। जब हम अपने आप को प्रभु को देते हैं तो इस बात को कोई मायने नहीं रहते कि हमें कितना देना चाहिए, हम जितना दे सकते हैं उतना देते हैं। कई बार अपनी सोच से कहीं बढ़ कर देते हैं। आखिर यदि हम सचमुच अपने आप को प्रभु को दिया है तो परमेश्वर तो हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें आशीष देने को का वचन दिया है। यदि हम पहल उससे दें, पहला पहल करें, ईश्वर ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप कर दबा दबा कर हिला हिला कर भरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसमें समृद्ध होने का वायदा नहीं, परंतु इस जीवन की आवश्यकता बातों से हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर में भरोसा रखने की बात कही गई है। क्या कोई परमेश्वर को लूट सकता है? यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर आज के समय में भी मलाकी के समय की तरह ही प्रासंगिक है। मुझे नहीं लगता कि किसी मसीह को यह लगता होगा कि वह परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परंतु जब हम उसे उतना ही दे पाते हैं जितना परमेश्वर चाहता है कि हम उसे दें, तो वास्तव में उसे लूट रहे होते हैं। परमेश्वर को लूटने के दोषी ना बने। और आज से ही आप अपने प्रेम को दिखाएं और इस वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।